नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स द्वारा टेक्निकल ट्रेड्समैन 2023 के जो फॉर्म भरे जा रहे थे उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और उसको कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या होंगे एट एग्ज़ाम सेंटर वो भी हम बताएंगे आपको। परीक्षा केंद्र पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाएं, जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा था टेक्निकल ट्रेड्समैन का, पहले इसमें 9212 पोस्ट थी, अब 9360 पोस्ट हो गई हैं ऑल इंडिया से, जिसमें मेल फीमेल 10th प्लस डिप्लोमा डिग्री होल्डर कैंडिडेट अप्लाई कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है इसकी वेबसाइट पर। तो उससे पहले मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल दिखाना चाहता हूँ ऑल जॉब केंद्र, इसको आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, इसी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने के लिए, और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा जिनने इसका सीआरपीएफ का फॉर्म भरा है, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं, ये आपको मैं दिखा दूँ, ये इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड का पोर्टल है जहाँ सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका मैं लिंक आपको वेबसाइट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आपको इसका यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के सिक्योरिटी कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना है, तो यहाँ से आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एडमिट कार्ड के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके एग्ज़ाम सेंटर पर लेके जाने हैं। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन एग्ज़ाम सेंटर पर क्या क्या होंगे वो मैं आपको बता दूँ। तो पहले तो आपको इसका एग्ज़ाम का सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन का एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, चाहे कलर में लेके जाएं चाहे ब्लैक एंड वाइट में लेके जाएं, इसकी दो कॉपी लेके जाएं अपने संग सेफ्टी पर्पज़ फ्यूचर यूज़ के लिए अपने, और पैन कार्ड लेके जाएं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट लेके जाएं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, फोटो आईडी प्रूफ इशूड बाय अ गजटेड ऑफिसर, ऑन ऑफिसर लेटर हेड वैलिड रीसेंट आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कॉलेज यूनिवर्सिटी, आधार कार्ड विद अ फोटोग्राफ, एम्प्लॉय आई डी, बार काउंसिल आइडेंटिटी कार्ड विद फोटोग्राफ शुड बी सबमिटेड टू द इनविजिलेटर फॉर वेरीफिकेशन आपका होगा। तो जेरोक्स कॉपी आपको लेके जानी है, जो भी आप फोटो आई डी प्रूफ लेके जाएँ उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप अपने संग लेके जाएँ, दो कॉपियाँ जेरोक्स कॉपी लेके जाएँ, और 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ सेम जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करी थी उसकी 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जाएं। सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन एग्ज़ाम के जब आपने ऑनलाइन फॉर्म आवेदन किया था उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें जो आपने फ़ोटो अपलोड करी है ऑनलाइन फॉर्म में उसकी 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जाएँ, और पेन लेके जाएँ ब्लू कलर का चाहे ब्लैक कलर का या दोनों ही लेके जाएँ, और ग्लू फेविस्टिक अपनी फ़ोटोग्राफ को चिपकाने के लिए, और ब्लू स्टैम्प पैड भी लेके जाएं सेफ्टी पर्पज़ के लिए। इसके बाद मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आपके एग्ज़ाम का, और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपका एग्ज़ाम कब पड़ रहा है, तो उसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा आपके एग्ज़ाम के लिए, और स्टूडेंट को भी बाकी स्टूडेंट को भी पता पड़ जाएगा कि कब कब एग्ज़ाम पड़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, उसको कैसे डाउनलोड करना है, तो आप को उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और परीक्षा केंद्र पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, तो वो भी आप अपने रेडी रखिए और एग्ज़ाम आप अच्छे से प्रिपेयर करें के जाएं, और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ। तो यही मैंने आपसे कहा, और बस आपके एग्ज़ाम के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन के जो एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या होंगे। अगर वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी बहुत भी मदद मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आपको आगे आने वाली हमारी जितनी भी वीडियोज़ होंगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज की इस वीडियो को ये बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।